हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मूथा बुदत। हम कर रहे थे बेटा क्या, क्विक रिवीजन कर रहे थे। यहाँ पे समरी बुक से हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे थे। जीएससी का चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सप्लाई। बेटा सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और ये डिस्कशन बेस्ड रहेगा हमारी समरी बुक के ऊपर। ये समरी बुक बेटा आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी ये समरी बुक मेरी वेबसाइट www.icaleague.com में बुक सेक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, चलो अब रिवीजन स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर टू, सप्लाई अंडर जीएसटी का। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। व्हाई? बिकॉज सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं है। टैक्सेबल इवेंट, कोई भी लॉ का एक टैक्सेबल इवेंट होता है। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। देखेंगे अब द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई। यहां पे हम बेसिक पैरामीटर्स देखेंगे सप्लाई के लिए। सप्लाई किस चीज का होना चाहिए भाई? सप्लाई होगा या तो गुड्स का या तो सर्विसेस का, या गुड्स का या सर्विसेस का होगा। भाई जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो या तो गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा। देन इट शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है गवर्नमेंट ने कि भाई कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए भाई। देन सप्लाई टैक्सेबल पर्सन ने करना चाहिए एंड इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। द सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। ये सारी चीजें होंगी तो ही यहाँ पे सप्लाई होगा और जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। ये बहुत बेसिक लेवल पे था। सेक्शन सेवन देखो, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हम याद करना शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन सेवन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। किस चीज से रिलेटेड है? सप्लाई की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। हम देखेंगे सप्लाई का यहाँ पे क्या रहेगा। ये सेक्शन आपको याद हो जाना चाहिए, नींद से भी उठा के कोई पूछे तो। सेक्शन सेवन ऑफ सीजीएसटी एक्ट एग्जाम में आना ही है, लिखना ही है अपने को। 25-30 सेक्शंस याद करेंगे, वो एग्जाम में कोट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका पेपर एकदम स्पार्क होना चाहिए, बहुत बढ़िया स्पार्क होना चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जितने सेक्शंस हम पढ़ेंगे सारे सीजीएसटी एक्ट के रहेंगे। कुछ 5 या 6 सेक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर आईजीएसटी एक्ट, जो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है ऑन ऑल दैट। ठीक है, ऑल अदर सेक्शन यहाँ पे हम सीजीएसटी एक्ट के पढ़ेंगे। सो सप्लाई की डेफिनेशन क्या बोलती है? सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में क्या क्या आएगा? 7(1)(a) ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे 7(1)(a) से दो चीजें इंपॉर्टेंट कर दी गई है। 7(1)(a) ने जो बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में क्या क्या आएगा। सो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। हमने डिटेल लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत टाइम दिया है। मैं फिर से बता दूं, ये रिविजन लेक्चर्स हैं। हम सारे सारे कंसेप्ट यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे यहाँ पे, बट थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बेटा रिवीजन है। जिसको डिटेल में जाना है, अभी भी एग्जाम को बहुत टाइम है, वो 90 आवर्स 100 आवर्स का कोर्स ले सकता है और वहां पे वो 100 आवर्स के कोर्स में पढ़ सकते हो। आप दिन में 3-3 घंटा भी पढ़ोगे, अभी एक महीने में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसको डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन सुनना है, हर एक पॉइंट के बाद एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो वो डिटेल कोर्स ले। जो रिविजन करना चाहते हैं, हम यहाँ पे रिविजन लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, सो सप्लाई क्या होना चाहिए? 7(1)(a) ने क्या बोला? 7(1)(a) ने बोला कि भाई सप्लाई होगा अगर कंसिडरेशन होगी और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। दो चीजें, कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, हो गया सप्लाई खत्म, बात हो गया सप्लाई खत्म बात। फिर 7(1)(b) आया, 7(1)(b) बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, गुड्स की बात नहीं हो रही है, सर्विस की बात हो रही है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप अगर सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो किस चीज के, फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन तो होना चाहिए, वेदर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब 7(1)(b) क्या बोलना चाहता है? मैंने पर्सनल पर्पस के लिए फाइव इंपोर्टेड सम सर्विसेज, उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसे भी सप्लाई बोल दिया 7(1)(b) ने। बट नहीं, वेट, यहाँ पे बाद में एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया, 7(1)(b) ने तो सप्लाई बोल दिया,
If you are importing services, you have paid the consideration, and if it is not for the purpose of business, then also it is supply. But wait. एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया एंड दैट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में बोला कि नहीं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है या पर्सनल पर्पस वगैरह के लिए है, तो उसे यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. हम पढ़ेंगे वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन भी, देन इम्पोर्ट बहुत डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं. 7(1)(c) क्या बोलता है? एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड विदाउट कंसिडरेशन. 4 एक्टिविटीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, याद हो जानी चाहिए. यहाँ पे हमने पैरा 1, 2, 3, 4 पढ़ा था. 4 activities, if made without consideration, then also supply. 7(1)(a), what did 7(1)(a) said? 7(1)(a) में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा. 7(1)(a) ने बोल दिया था कि if it is made for a consideration and it is for the purpose of business, then it is supply. Then comes 7(1)(c), बोले, 7(1)(c) ने क्या बोला? No. There are 4 activities or transaction. If they are made even without consideration, it would be considered as supply. कंसिडरेशन नहीं होगी तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा. किस केस में? सिर्फ चार एक्टिविटीज. ये चार एक्टिविटीज के अलावा अगर पांचवी कोई एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन होगी तो क्या वो सप्लाई होगी? नहीं, वो सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 7(1)(a) में बेसिक कंडीशन ही है सप्लाई के लिए, फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. एंड देन ये थोड़े टाइम पहले यहां पर अमेंडमेंट हुआ था एंड 7(1)(a) इंसर्ट हुआ था. 7(1)(a) ने क्या बोला? If supply as per 7(1), मतलब if supply as per 7(1) के हिसाब से अगर supply है तो वो supply goods का है कि services का है? वो supply goods का है कि services का है? कौन बताएगा? Schedule 2 के हिसाब से बताएंगे. तो ये इसमें थोड़ा confusion था, वो confusion अभी हम discuss नहीं करेंगे. अमेंडमेंट क्या हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे. तो यहां पे ये बात हुई कि भाई अगर 7(1) के हिसाब से सप्लाई है, 7(1)(a) के हिसाब से और 7(1)(b) के हिसाब से और 7(1)(c) के हिसाब से, इफ इट इज सप्लाई फ्रॉम 7(1)(a) और 7(1)(b) और 7(1)(c), देन इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट? इट विल बी डिटरमाइंड बाय शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 बताएगा कि वो गुड्स का सप्लाई है या सर्विसेज का. Will schedule 2 specify all the activities? No. It will specify only the activities जहां confusion है. I know this mouse is a goods. अभी इसमें कोई question ही नहीं बचा कि ये goods है कि service है. This iPad, क्या इसमें कोई question बचा कि whether it is goods or services? No. It is goods. Clear है भाई? Phone. Clear है भाई? Goods है. Schedule 2 कौन से items बताएगा? Schedule 2 वो items बताएगा जहां confusion है कि इसे goods बोले कि service बोले, वहां शेड्यूल 2 आएगा. फॉर एग्जाम्पल वर्क कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस, इन जगहों पे शेड्यूल 2 आएगा. देखेंगे हम डिटेल पे. अब शेड्यूल 2 में कब जाएंगे? जब अगर सप्लाई है 7(1)(a) या 7(1)(b) या 7(1)(c), इन तीनों में से किसी एक के हिसाब से अगर सप्लाई है तो वो सप्लाई गुड्स का है कि सर्विस का है, वो कौन बताएगा बेटा? वो बताएगा शेड्यूल 2. एंड देन supply excludes activities not to be treated as supply of goods or services as referred to in schedule 3. Schedule 3 aata hai, schedule 3 bata, haan bhai goods hai maan liya, service hai maan liya, but supply nahi manenge. Mana ki goods hai, mana ki service hai, mana ki supply ho raha hai, par nahi. Schedule 3 mein likh gaya matlab nahi hai supply. Negative list bol sakte hain aap isko, which is neither supply of goods nor supply of service. Supply nahi hai to GST lagega hi nahi. Since there is no supply, no GST. So now, यहाँ पे हम briefly ये सब पढ़ने वाले, क्या फटाफट एक सेकंड में रिवाइज करेंगे. Supply includes what? 7(1)(a) for the consideration, for the purpose of business, supply हो गया. 7(1)(b) import for a consideration, whether or not for the purpose of business, supply हो जाएगा. But exemption notification में personal purpose के लिए कुछ बुलाया था, उसे supply नहीं माना जाएगा. 7(1)(c) यहाँ पे 7(1)(c) बोलते हैं कि भाई एक्टिविटीज जो कि शेड्यूल 1 में दी हुई है, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई हो जाएगा. 7(1)(a) इंसर्ट हुआ, उसने क्या बोला कि अगर 7(1) के हिसाब से सप्लाई, तो वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और वेदर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट? 7(1)(a). एंड देन कम्स एक्टिविटीज शेड्यूल 3, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच विल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. वो कौन बताएगा बेटा? वो बताएगा यहाँ पे शेड्यूल 3. तो स्ट्रक्चरली इस चैप्टर में हम लोग यही सारी चीजें डील
तेरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? नाउ लेट टेल मी वन थिंग, नाउ वेदर इट इज इम्पोर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? यस मैम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? Because the provisions for place of supply and time of supply are different for goods and different for services. So it is very important, beta, at this place only that you should be able to differentiate between what is goods and what is service. Otherwise, in exam, आपने goods या service का determination गलत कर लिया, so आपका पूरा problem गलत हो जाएगा because आप time of supply, place of supply सारी चीजें गलत calculate कर लेंगे, यहाँ पे गलत find out कर लेंगे. So it is very important to differentiate between goods and services. What do you mean by goods, ma'am? So goods means every kind of movable property. Every kind of movable property other than money and securities. So money and securities kept out of goods. Goods se bahar kar diya money and securities ka. But includes actionable claim. Actionable claim ko goods bol diya. Actionable claim ko goods bol diya. Growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply. Very important thing in goods definition is what? Every kind of movable property. Every kind of movable property. So, immovable property is what? Service. हम देखेंगे अभी आगे, ये हमने बहुत डिटेल में देखा है। सो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। सो मनी एंड सिक्योरिटी को गुड्स से तो बाहर कर दिया, गुड्स से तो बाहर कर दिया एंड बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स को यहां पे इंक्लूड कर लिया, पर शेड्यूल थ्री में एक्शनेबल क्लेम को बाहर कर दिया। बेटा रिविजन है, शेड्यूल थ्री पढ़ा हुआ है पहले, ऐसे एक्ट मत करना कि कोई चीज नहीं पढ़ी और बता दिया, नहीं, अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है। अपन रिवीजन कर रहे हैं तो अपन चीजें यहीं पे लिंक करते हुए बोलेंगे, नहीं तो अपन शेड्यूल थ्री के बाद पढ़े थे अपन ने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम लिखा हुआ है, मतलब क्या? एक्शनेबल क्लेम को गुड्स तो बोल दिया, गुड्स तो बोल दिया, शेड्यूल थ्री से बाहर कर दिया, मतलब शेड्यूल थ्री इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सो नो टैक्स ऑन एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग वाली का है। मतलब लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग पे टैक्स लगेगा एज गुड्स, एज गुड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। एनीथिंग अदर देन गुड्स मींस एवरीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सो सर्विस मींस एनी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन गुड्स लिखा है मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी सर्विस, याद रख लेना। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, भाई मनी एंड सिक्योरिटी को गुड्स से भी बाहर, सर्विस से भी बाहर, गुड्स से भी बाहर, सर्विस से भी बाहर, किसको? मनी एंड सिक्योरिटीज को। सो भाई नो सप्लाई, गुड सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ना गुड्स है ना सर्विस है तो काय का टैक्स, नो सप्लाई। मनी एंड सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है। देन बट इंक्लूड्स एक्टिविटी, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज अ रीसेंट अमेंडमेंट हैज कम इन दिस डेफिनेशन, एक एक्सप्लेनेशन एड हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। बट इंक्लूड्स activities relating to use of money or its conversion by cash or any other mode from one currency or denomination to another form currency or denomination for which separate consideration is charged. मतलब क्या? activities relating to use of money or its conversion, पैसे को यूज करने के लिए यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ है उसे क्या बोलेंगे? उससे बेटा सर्विस में, वो सर्विस में आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम, एक्सप्लेनेशन क्या ऐड हुआ है वो देखेंगे। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय क्लेरिफाइड दैट एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। यहाँ पे मनी और सिक्योरिटीज तो गुड्स और सर्विसेज नहीं है माना, बट अगर यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हो या अरेंज कर रहे हो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को, उसके लिए सर्विस फीस ली, डॉक्यूमेंटेशन फीस ली, तो क्या वो सर्विस है? हाँ जी है, क्यों? क्योंकि फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हो रही थी इंडस्ट्री में, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन एड किया गया। तो अब एक बार एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। डिपॉजिट और विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बताओ क्या होगा? गुड्स होगा सर्विस होगा? नो मैम, वाय? बिकॉज मनी इन सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, सो ट्रांजेक्शन इन मनी विल नीदर बी गुड्स नॉर सर्विसेज। देन प्रोसेसिंग फीस, यस प्रोसेसिंग फीस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ट्रांजेक्शन इन मनी इज नॉट, बट प्रोसेसिंग फीस इज, बिकॉज प्रोसेसिंग फीस इज अ सेपरेट कंसिडरेशन, इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। देन कन्वर्जन ऑफ करेंसी, वन करेंसी टू अनदर करेंसी, यूएस डॉलर से पॉन्ड्स में कन्वर्ट किया मैंने, कन्वर्जन ऑफ करेंसी वेदर इट इज गुड्स और सर्विस? नो मैम, इट इज ट्रांजेक्शन इन मनी, इट इज ट्रांजेक्शन इन मनी, नो गुड्स नो सर्विस।
कमीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसी, जो करेंसी मैंने यूएस से लेके पॉन में कन्वर्ट की उसमें मुझे उस एजेंट ने कमीशन चार्ज किया, क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है? यस यस, बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, सो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. देन सेल और परचेज ऑफ स्टॉक शेयर और डेरिवेटिव्स. तो सेल और परचेज कर रहे हो, नो मैम, इट इज ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, इट इज नीदर गुड्स नॉट सर्विस. इधर नीदर गुड्स नॉट सर्विस एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा. एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम क्लियर है मैम, गुड्स है, ये हमने डिस्कस कर लिया. एज पर शेड्यूल 3 एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सो ओनली लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग वुड बी टैक्स्ड एज गुड्स. ठीक है, ऑल अदर एक्शनेबल क्लेम्स को हटा दिया गया है. सर्विस चार्ज और सर्विस फीस और डॉक्यूमेंटेशन फीस और ब्रोकिंग चार्जेस, इट इज प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड चार्जेबल टू जीएसटी. इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट न्यूली इंसर्टेड एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाला गया है, यहाँ पे फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज से रिलेटेड है. सो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी, ये हमने सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी. मैं क्लियरली बता रही हूं, जो लोग आगे भी ये वाले वीडियोस देखने वाले हैं बेटा, ये ही स्पीड मेंटेन की जाएगी बिकॉज रिविजन हो रहा है. जिसको डिटेल में पढ़ना है, मुझे स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि मैम डिटेल में पढ़ना है, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगी कि बेटा आप यहाँ पे 100 आर्ट्स की क्लास में पढ़िए. यहाँ पे जिसने एक बार पढ़ लिया वो रिविजन के लिए पढ़ेगा. नो डाउट आई एम गोइंग टू कवर एवरी कंसेप्ट, बट हर कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराना, वो सब हम यहाँ इतने लिमिटेड टाइम में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये चीज दो बार आपको क्लियर कर दी. अब 71A देखना शुरू किया था. 71A में क्या लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन होना चाहिए प्लस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए तो सप्लाई होगा. सो एक जो प्राइमरी एलिमेंट है सप्लाई होने के लिए वो क्या क्या है, कंसिडरेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल ए, क्लॉज डबल ए इंसर्ट हुआ, पहले नहीं था जीएसटी में, जब जीएसटी आया तब रिट्रोस्पेक्टिवली बट इसे क्या किया गया, इंसर्ट किया गया रिट्रोस्पेक्टिवली. कब से, 1 जुलाई 2017 से. क्या बोला यहाँ पे क्लॉज डबल ए ने भाई, यहाँ पे बोला कि सप्लाई इंक्लूड्स क्या, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन. क्या बोला, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर कॉन्स्टिट्यूट्स और वाइज वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन. क्या बोल दिया, सप्लाई बोल दिया, झगड़ा ही खत्म कर दिया भाई. पहले झगड़ा होता था ये सप्लाई है या नहीं है, बहुत सारी जगह झगड़ा चल रहा था, कोर्ट्स अपने अपने डिसीजन दे रहे थे, तो यहाँ गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया, बोल दिया कि भाई ये सप्लाई है, सप्लाई में ही ले लिया. यहाँ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में क्लॉज डबल इंसर्ट करके क्या बोला कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी पर्सन कर रहा है अदर देन इंडिविजुअल, हो सकता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, किसके लिए, अपने ही मेंबर्स के लिए, अपने ही कॉन्स्टिट्यूट्स के लिए, या वाइज वर्सा मेंबर कर रहा है भाई अपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को कोई सर्विस दे रहा है, सप्लाई हो जाएगा भाई, सप्लाई हो जाएगा. बट किस चीज के लिए होना चाहिए, कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट के लिए, या वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए. आपको याद हो तो शेड्यूल 2 में, पहले बेटा शेड्यूल 2 में पैरा 7 हुआ करता था, उसको ओमिट कर दिया. पैरा 7 क्या था, पैरा 7 बोलता था अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, ये देखो मैं खोलती हूँ पहले वाला जो पैरा 7 था जो कि अभी ओमिट कर दिया गया. पहले क्या बोलता था, वो सप्लाई ऑफ गुड्स अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन अपने मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट्स के लिए कर रहा है फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट या वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोला था. ठीक है, शेड्यूल 2 क्या काम करता है, बताता है कौन से एक्टिविटी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना. तो ये पैरा 7 को ओमिट कर दिया गया रिट्रोस्पेक्टिवली फॉर्म 1 जुलाई 2017, इसे भी ओमिट कर दिया गया. और क्या इंसर्ट किया गया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में क्या इंसर्ट किया गया, क्लॉज डबल ए इंसर्ट किया. क्लॉज डबल ए ने बोल दिया एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर कॉन्स्टिट्यूट्स और वाइज वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा. और एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट किया, और एक्सप्लेनेशन ने क्या बोला कि दे आर डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन. किस किस को सेपरेट पर्सन बोल दिया भाई, द पर्सन एंड इट्स मेंबर कॉन्स्टिट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन. दो अलग अलग लोग हैं और जो भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक दूसरे को कर रहे हैं वो क्या माना जाएगा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. झगड़ा ही खत्म, बहुत क्लियर कर दिया ये दोनों को क्या अलग अलग माना है, मेंबर्स को, कॉन्स्टिट्यूट्स को, और जो भी पर्सन है यहाँ पे उसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, दो अलग अलग लोग माना है. और इनके बीच की एक्टिविटीज को क्या माना जाएगा, एक पर्सन है दूसरे पर्सन को दी. तो अब ये क्या हो गया, बहुत क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया, सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. देन
देन कम 7(1)(b). 7(1)(b) आया, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. इम्पोर्टेशन ऑफ अ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. यहाँ सर्विस से रिलेटेड, इट्स नॉट रिलेटेड टू गुड्स. गुड्स के लिए ये सेक्शन बिल्कुल नहीं लगेगा. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के लिए क्या लगेगा, 7(1)(a) के हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा. सर्विस के लिए इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. द एक्सेप्शन टू सेड रूल इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस डीम्ड सप्लाई इवन इफ इम्पोर्टेड इन नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. बट एज आई टोल्ड यू देयर कम्स एन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के हिसाब से पर्सनल पर्पज के लिए अगर आप ले रहे हो तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है. सो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस यहाँ पे अगर विथ कंसिडरेशन है टेंशन ही नहीं है, कंसिडरेशन है तो नीचे जाने की बात ही नहीं. 7(1)(a) के हिसाब से ही हो गया यहाँ पे सप्लाई. इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन प्लस बिजनेस है तो डेफिनेटली सप्लाई है ही. उसके बाद तो सोचना ही नहीं है, उसके बाद तो सोचना ही नहीं है. नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो सो इट इज टैक्सेबल एज पर 7(1)(b) बट एग्जेम्प्टेड वाया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. बट इट इज एग्जेम्प्टेड वाया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. देन इम्पोर्ट अगर आप कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो तो फिर देखना पड़ेगा, तो फिर देखना पड़ेगा. विदाउट कंसिडरेशन में थोड़ा सा, कभी भी विदाउट कंसिडरेशन आए तो शेड्यूल वन को याद करना. शेड्यूल वन हमने पढ़ा है, वहां पे दिया हुआ था फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आप लेते हो तो वो टैक्सेबल होता है. शेड्यूल वन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो अभी हम अभी यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा है बट हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ शेड्यूल वन के हिसाब से अगर रिलेटेड पर्सन या मैं डिस्टिंक्ट पर्सन से बिजनेस के लिए कोई सर्विस इंपोर्ट करती हूँ इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन देन इट इज टैक्सेबल. इंपोर्ट पे टैक्स कौन पे करता है बेटा, इंपोर्ट में यहां जो इंडिया में है इंपोर्टर वो पे करता है रिवर्स चार्ज में, याद होगा आपको. और विदाउट कंसिडरेशन कोई और पर्सन ला रहा है तो फिर वो नॉट टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल ही नहीं है, कंसिडरेशन ही नहीं है. 7(1)(a) के लिए भी कंसिडरेशन यहाँ पे चाहिए, 7(1)(b) के लिए भी कंसिडरेशन चाहिए. शेड्यूल वन में भी आप नहीं आ रहे हो तो फिर आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप टैक्सेबल नहीं रहोगे. नाउ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल वन हम यहाँ पे अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहां से हम हमारा शेड्यूल वन शुरू करते हैं. सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन डीम सप्लाई सेक्शन 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल वन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द शेड्यूल वन. व्हाट इज शेड्यूल वन, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट. शेड्यूल वन हैज दोज एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन फॉर विच कंसिडरेशन देर इज नो कंसिडरेशन. जहां कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई है, दैट आर व्हाट शेड्यूल वन आइटम. सो सबसे फर्स्ट है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन. द टाइम यू हैव परचेज द एसेट यू हैव अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दिस. You have availed input tax credit on this and today you are permanently transferring or disposing of that asset. So, what will happen in that scenario? Yeah, without consideration. Example lenge. Ye podium, for example, ye podium, maine purchase kiya tha aaj se 3 saal pehle. Ab maine use kar liya, ITC le liya. अब क्या हुआ, मैंने बोला यार एक यहाँ पे मेरे पास चैरिटेबल ट्रस्ट आया, उन्होंने बोले कि आप हमको ये चेयर्स फर्नीचर्स कुछ डोनेट करिए. मैंने कहा ये पोडियम लेके जाओ. तो मैंने उनको डोनेट कर दिया ये पोडियम. तो मैंने क्या किया, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ माय बिजनेस एसेट किया, यस, फॉर विच आई हैव टेकन द इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन बेटा, इन दिस केस इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन द बिजनेस एसेट्स एंड दैट बिजनेस एसेट्स हैज बीन परमानेंटली ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, सो दैट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई. देन सेकेंड सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन. रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे. तो मैंने मेरे रिलेटेड पर्सन को, मैंने मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया. व्हाट डू मीन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है बेटा एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन. पैन नंबर पूरे इंडिया में सेम होता है, मेरा पैन नंबर सेम होगा, मेरी हो सकता है बहुत सारी ब्रांचेस हो, मेरी हो सकता है बहुत सारी ब्रांचेस हो, तो मेरी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के लिए क्या होगी, जीएसटी का तो हर एक स्टेट का अपना अपना रजिस्ट्रेशन है, तो मेरी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच एक स्टेट की दूसरे स्टेट के लिए वो क्या हो जाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगी. अब तो एक स्टेट में एक से ज्यादा भी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, ठीक है. सो इस केस में ये हो गया कि मेरा एक समझ लीजिए ऑफिस मुंबई में है, एक गुजरात में. सो बोथ द ऑफिसेज आर डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर ईच अदर सिंस दे हैव द कॉमन पैन नंबर बट दे हैव डिफरेंट जीएसटीएन. They have different GSTN number. So there is a supply between related person or distinct person. Then even if made without consideration, schedule 1 पढ़ रहे हैं, लिंक मत भूलना.
इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई. सो इवन इफ विदाउट मेड कंसिडरेशन बट इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. रिलेटेड पर्सन की भी डेफिनेशन हमने डिटेल में पढ़ी थी, उसमें एक रिलेटेड पर्सन में एक पॉइंट में कौन था, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई थे, वो भी रिलेटेड पर्सन थे. तो उनके बीच में एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि अगर 50,000 तक के का, नॉट एक्सीडिंग 50,000 तक के का है तो ठीक है, उसे सप्लाई नहीं मानी जाएगी. उससे ज्यादा का गिफ्ट आपने एम्प्लॉय को दिया है, उससे ज्यादा का गिफ्ट अगर आपने एम्प्लॉय को दिया है तो फिर वो सप्लाई माना जाएगा. नॉट एक्सीडिंग 50,000 इज नॉट सप्लाई. ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे यहाँ पे. नाउ सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट ने एक दूसरे के बीच में, by a principal to his agent where agent undertakes to supply such goods on behalf of supply, या by agent to his principal where agent undertakes to receive such goods on behalf of principal. तो यहाँ पे supply हो रहा है, principal ने agent को supply किया और agent आगे principal के behalf में किसी को goods supply करने वाला है. ठीक है यहाँ पे, या फिर second चीज, अगर यहाँ पे principal, agent ने principal के behalf में receive किया such goods, देखो service की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे goods की बात हो रही है, ये बहुत ध्यान में रखना है, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी सी चीजें. तो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल, तो यहां पे अगर प्रिंसिपल के बिहाफ में यहां पे एजेंट ने गुड्स रिसीव किया या सप्लाई किया तो उसे क्या माना जाएगा बेटा, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इट वुड बी डीम्ड एज सप्लाई, इट वुड बी डीम्ड एज सप्लाई. देन Now, there is an amendment in this, an important amendment. Importation of services, importation of service, import of service by a taxable word पहले यहां यूज किया जाता था जिसे omit किया गया, उसका इफेक्ट भी हम समझेंगे क्या है. Importation of service by a person from a related person from any of establishment outside India in the course or furtherance of business. मतलब मैंने import करी services, क्या not goods, service की बात हो रही, मैंने import करी services किससे, किसी related person से, बाहर से import करी, तो उस केस में even if I have made it without consideration it would be treated as supply. इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई. मैंने मेरे फादर से यहाँ पे कोई सर्विसेज इम्पोर्ट करी, वो सीए है, उन्होंने मुझे कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, मैंने उनसे इम्पोर्ट करी. आर वी रिलेटेड पर्सन, येस वी आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, वी आर रिलेटेड, सो आई हैव इम्पोर्टेड सम सर्विसेज फ्रॉम हिम. सो क्या वो टैक्सेबल होगी, क्या उससे सप्लाई बोला जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. सो प्रीवियसली यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ था टैक्सेबल पर्सन, सो इफ आई एम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी देन ओनली इट वुड बी liable to tax, it would be treated as supply, but now the taxable word has been omitted. ये क्यों omit किया गया, यहाँ पे ये amendment इसलिए आया, हम पढ़ेंगे यहाँ पे effect, the effect of the amendment is to ensure that import of services by entities which are not registered under GST, for instance who are making only exempt supply but are otherwise engaged in business activities taxed when received from a related person or any establishment outside India. For example यहाँ पे मैं कुछ exempt supply कर रही हूँ, मेरा supply पूरा exempted है, so I have not registered under GST. बट आई एम इम्पोर्टिंग सर्विसेज, तो गवर्नमेंट का बोलना था नहीं, अगर आप एग्जाम सप्लाई में हो, आप एग्जाम सप्लाई में हो, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है बट आप इम्पोर्ट कर रहे हो सर्विस, तो भी वो टैक्स होगा. सो यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि सर्विस जो इम्पोर्ट करे वो टैक्सेबल पर्सन हो, कोई भी इम्पोर्ट कर ले सर्विस उसे क्या बोल दिया गया बेटा, सप्लाई बोला गया, उसे सप्लाई बोला गया है. आगे इसकी टैक्सेबिलिटी और डिस्कस करेंगे. Now here we complete Schedule 1. Schedule 1 हमने क्या क्या पढ़ा, permanent transfer disposal of business as a second that would be treated where input tax credit has been availed that would be treated as supply. Then हमने पढ़ा supply between related person and distinct person, उसमें employer employee, अगर employer ने employee को 50,000 तक का gift दिया हुआ है तो उसे यहाँ पे supply नहीं बोला जाएगा. Then supply of goods between principal and agent, and then we studied import of services. Services किसने import करी, क्या taxable person ने import की, नहीं कोई ने भी import करी, related person से बाहर से. So in all the four activities even if made without consideration it would be treated as what, supply, इसे supply बोला जाएगा. Here we complete our schedule 1. Next बेटा section 7-1 की क्या बात थी, section 7-1 ने बताया कि भी supply include क्या 7-1A 7-1B 7-1C, supply क्या है बेटा उन्होंने बता दिया. अब 7-1 कैपिटल ए आया, उसने क्या बोला कि भाई अगर सप्लाई है 7-1 के हिसाब से, 7-1 के हिसाब से सप्लाई है, 7-1 ए बी एस सी किसी के भी हिसाब से सप्लाई है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बताने का काम किसका, शेड्यूल 2 बताएगा भाई. कौन बताएगा, शेड्यूल 2 बताएगा भाई एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, बट क्या शेड्यूल 2
ये बता सकता है कि कोई एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो काम किसका है? सेक्शन 7(1). तो 7(1) के हिसाब से पता चलेगा कि भाई कोई चीज सप्लाई है या नहीं। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस कौन बताएगा? शेड्यूल 2। क्या सारी चीजों के लिए बताएगा कि भाई मोबाइल? नहीं बेटा, सब चीजों के लिए नहीं बताएगा। मोबाइल तो पता है मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, लैपटॉप पता है मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, पोडियम पता है गुड्स है, सब पता है। किस में बताएगा? जहां पे कंफ्यूजन है या जहां पे गवर्नमेंट को लगा कि भाई क्लैरिफाई करना जरूरी है, पुराने लॉ से गवर्नमेंट ने सीख ले ली। तो बड़ा प्यारा सा शेड्यूल बनाया। क्या शेड्यूल 2 क्या बताता है? शेड्यूल 2 यहाँ डायरेक्ट नहीं आना है। अगर 7(1) ए बी एस सी के हिसाब से सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, वो किसका काम है बताने का? शेड्यूल 2। सो एक्टिविटीज ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2 देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या? टाइटल का ट्रांसफर कर दिया। ओ माय गॉड, टाइटल का ट्रांसफर मतलब बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया, पोजेशन भी ट्रांसफर कर दिया, उसे क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने ये मोबाइल सेल कर दिया, मैं मेरी मोबाइल की शॉप है, क्या हो गया? मैंने सप्लाई ऑफ गुड्स किया। मैंने टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया बेटा, पोजेशन भी ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने टाइटल ट्रांसफर तो किया बट अंडर एन एग्रीमेंट दैट शिल पास एट अ फ्यूचर डेट। पूरा कंसिडरेशन आप मेरे को दोगे तब मैं टाइटल दूंगी फ्यूचर डेट से, ये क्या होगा? ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। एग्जाम्पल हायर परचेज ट्रांजेक्शन, हायर परचेज ट्रांजेक्शन, ठीक है? ये सब इसमें अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे एक एक क्लास में, अभी रिविजन है। देन बेटा टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, राइट इन राइट और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो उसे क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद लैंड और बिल्डिंग, आपको पता है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? वेरी गुड, सर्विस होती है, सर्विस होती है। तो अब लैंड का चाहे लीज हो, चाहे टेनेंसी, चाहे ईजमेंट, चाहे लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, किसमें आएगा? इट वुड बी क्लासिफाइड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, इट वुड बी क्लासिफाइड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। देन लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और बिजनेस कॉमर्स होली पार्टली। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा? कोई भी बिल्डिंग को लीज पे दे रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई शॉप लीज पे दी है तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर रहे हो आप, ट्रीटमेंट या प्रोसेस किस पे? अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, किसी और के गुड्स पे ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रही हूँ मैं, किसी और के गुड्स पे। एग्जाम्पल जॉब वर्क कर रही हूँ मैं, तो उसे क्या बोला गया? सप्लाई ऑफ सर्विस। बेटा जॉब वर्क करने आएगा तो जाते हुए दिखेगा कि गुड्स जा रहा है बट एक्चुअली क्या है? सर्विस, सर्विस करी है आपने, सर्विस दी है किसी के यहाँ पे, गुड्स पे आपने कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया है, फिर डिस्पैच आप गुड्स करोगे, बट यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअल ट्रांजेक्शन सर्विस का रहेगा, सर्विस का रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन ट्रांसफर कर रहे हो क्या? बिजनेस का एसेट, बिजनेस का एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, ओके। तो क्या कर रहे हो? गुड्स जो आपके बिजनेस के वो आपने ट्रांसफर कर दिए या डिस्पोज ऑफ कर दिए, ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, किसने कर दिया? बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस हु इज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ एसेट्स, दैट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। बट यहां कब आओगे? यहां तभी आओगे जब 7(1) के हिसाब से सप्लाई है, या 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई बेटा कंसिडरेशन के लिए है या एंड बिजनेस के लिए, या 7(1)(c) डेड विथ शेड्यूल 1 परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन, उसके हिसाब से सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ये कौन बताएगा? शेड्यूल 2 बताएगा। सप्लाई कहां से डिसाइड करना है? सप्लाई आपको वहां से डिसाइड करना है, सेक्शन 7(1) से। यहां कब आओगे? जब आप डिसाइड कर चुके हो कि सप्लाई, अगर शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई नहीं आता, फॉर एग्जांपल विदाउट कंसिडरेशन का ट्रांजैक्शन है, आईटीसी भी अवेल नहीं किया है, तो सप्लाई नहीं होता है, पैरा 1 शेड्यूल 1 रिविजन कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहां नहीं आओगे। 7(1) के हिसाब से सप्लाई है तो यहां आओगे। देन ये क्या किया आपने? गुड्स को परमानेंटली डिस्पोज ऑफ या ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हुआ? आपने गुड्स को प्राइवेट यूज पे रख दिया या किसी और पर्पज पे रख दिया अदर देन बिजनेस, आपने पूरा पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, आपने क्या किया? या तो प्राइवेट यूज पे कर दिया या किसी और को मेड अवेलेबल कराया है अदर देन बिजनेस के लिए कर दिया बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड आप क्या कर रहे हो? गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, नाउ यू आर नो मोर अ टैक्सेबल पर्सन, तो क्या माना जाएगा? द गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन एंड दैट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। हाउएवर द एक्सेप्शन आर अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न जैसे ट्रांसफर कर दिया, एग्जेम्पशन के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न जैसे हम बिजनेस जब ट्रांसफर कर देते हैं वो सर्विस क्या हो जाती है बेटा? यहाँ पे वो चीजें क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। एंड बिजनेस कैरीड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज अ डीम टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो ये आपके एक्सेप्शन है। अदरवाइज जो गुड्स जो बिजनेस के बचते हैं उसे क्या माना जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स। देन वेरी इंपॉर्टेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगेन रेंटिंग कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे
क्या किया है, मैंने यहाँ पे रेंट पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, नॉट ओनली बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें आती है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं आती है, ठीक है, कोई मशीनरी भी इमूवेबल हो सकती है, वो अगर मैंने रेंट पे दिए तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा मैम। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, ये कौन से यहाँ पे आते हैं, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाले, उसे भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेटा शेड्यूल थ्री में चले जाएगा, उसे सर्विस नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई नहीं है, वो सप्लाई नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हो, टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हो और परमिट कर रहे हो यूज और एंजॉयमेंट ऑफ व्हाट, आईपीआर। आईपीआर का टेम्पररी ट्रांसफर क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। डेवलप कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, क्या आईटी सॉफ्टवेयर क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। पुराने लॉ में बड़ा दिक्कत था, यहाँ पे क्लियर कर दिया, कोई कस्टमाइजेशन टाइप की चीज है, कोई डेवलपमेंट है, कोई डिजाइनिंग है, कोई प्रोग्रामिंग है, कोई अपग्रेडेशन करा रहा है, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने आपको बोला मेरे लिए एक आईटी सॉफ्टवेयर बना के दो, आपने डेवलप डिजाइन प्रोग्राम कस्टमाइज करके दिया, फिर मैंने बोला नहीं नहीं अभी थोड़ा मेरा काम बढ़ गया, इसको अपग्रेड करके दो, एनहांस करके दो, इम्प्लीमेंट करके दो, आपने करके दिया, क्या होगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। देन Agreeing to obligation to refrain from an act or tolerate any act or situation, कुछ ना करने के पैसे मिलने, कुछ tolerate करने के पैसे मिलने, वो क्या होता है बेटा, वो भी supply होती है, supply of service हो गई, ठीक है, consideration मिल रहा है, business के लिए मिल रहा है, वो क्या हो गई, यहाँ पे supply हो गई, supply of service माना जाता है schedule 2 के हिसाब से। Then transfer of right to use any goods for any purpose, आपने आपके goods किसी को use करने किसी purpose के लिए दिए, उसे क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है service माना जाएगा, service माना जाएगा। Then work contract को क्या माना जाएगा बेटा, service माना जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जीएसटी में हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, क्यों, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देंगे, ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में दिया हुआ है किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, वेर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है यहाँ पे, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। देन सप्लाई ऑफ गुड्स बींग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, किसकी बात हो रही है, रेस्टोरेंट सर्विस, केटरिंग, मेस, इन सबकी बात हो रही है, इन्हें क्या बोला, सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी सर्विस है बेटा, रेस्टोरेंट भी सर्विस है, बहुत क्लियर कर दिया जीएसटी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखने के लिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट क्या है, सर्विस है बेटा, सर्विस है। टाइम ऑफ सप्लाई के, प्लेस ऑफ सप्लाई के, सर्विस के प्रोविजन लगेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विस, बिकॉज द प्रोविजन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट फॉर गुड्स, डिफरेंट फॉर सर्विसेज। देन बहुत सिंपल एंट्री है, गुड सप्लाई कर रहा है कौन, कोई भी एसोसिएशन कर रहा है अपने मेंबर्स को फॉर एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसे क्या बोला गया, सप्लाई ऑफ गुड्स बोला गया, सप्लाई ऑफ गुड्स बोला गया। ये क्या हो गया बेटा, ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी, शेड्यूल टू ने क्लैरिफाई किया किससे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है, किससे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, शेड्यूल टू में डायरेक्टली नहीं आना, शेड्यूल टू में कैसे आएंगे, अगर 7-1 के हिसाब से सप्लाई है, 7-1 के हिसाब से सप्लाई है, तो 7-1 आपको लेके जाएगा शेड्यूल टू में, जो बताता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, ये हमारा शेड्यूल टू हुआ। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल थ्री, नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, भाई नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ माना कि गुड्स है, हाँ माना कि सर्विस है, पर नहीं, हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे, नो सप्लाई नो जीएसटी। सो इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, ध्यान से पढ़ना। स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट सर्विस के साथ, सर्विस बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। अरे भाई एम्प्लॉई रोज ऑफिस जाता है, सर्विस देता है एम्प्लॉयर को, अब ऐसे तो उसे सप्लाई मान लिया तो हो गया, रोज जीएसटी लगाते रहे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को। सो जहां पे भी एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, किस चीज से रिलेटेड, इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के हिसाब से, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। कोई और सर्विस दे रहा है तो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये आपके पास नहीं होगा, ये मेन बुक का पार्ट है। सो अगर कंपनसेशन दे रहे हो आप फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन, क्या वो टैक्सेबल होगा, इट इज नॉट टैक्सेबल एज इट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यार उसमें ही टर्म्स था प्री मेच्योर टर्मिनेशन का, तो प्री मेच्योर उसे जल्दी छोड़ दिया तो उसे प्री मेच्योर टर्मिनेशन का ऑब्वियसली कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो दैट वुड नॉट बी टैक्सेबल, दैट वुड नॉट बी सप्लाई। कैजुअल लेबर अपॉइंटेड ऑन डेली बेसिस फॉर वेजेस, इट इज नॉट टैक्सेबल एज इट इज इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, वो भी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड ही है। देन थर्ड, नॉन कॉम्पीट फीस पे कर रहे हो आप, रिसीव बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर ने बोला यार ये मेरे साथ इस साल इतने साल काम कर लिया, अब ये बाहर जाएगा यही काम कॉम्पिटिटर के साथ में करेगा, मेरे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो उसने बोला कि भाई तू किसी के साथ काम नहीं करेगा, तू ये काम छोड़ दे, मैं तेरे को नॉन कम्पीट फीस देती हूँ, मैं तेरे को 5 लाख रुपए देती हूँ, तू ये काम करना छोड़ दे। तो उसने बोला ठीक है ओके। सो वेदर इट वुड बी टैक्सेबल, यस इट एज इट इज नॉट इन द कोर्स एंड इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं, ये बिजनेस डिसीजन है, तो इस केस में ये टैक्सेबल होगा और इसे सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट,
सर्विसेज बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स कोर्ट, यहाँ पे ट्रिब्यूनल हमको यहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपीज, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, पंचायत के, म्यूनसिपैलिटी के मेंबर या कोई भी लोकल अथॉरिटी के मेंबर्स, कोई भी सर्विसेज आपको यहाँ पे कोई भी काम करते, कोई भी फंक्शंस करते तो दैट वुड ऑल्सो बी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. देन ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन पर्सन्स ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लोग हैं जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी, ऑब्वियसली उसे भी नहीं माना जाएगा. ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयर पर्सन और मेंबर और डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड टू बी एन एम्प्लॉई बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज. सो ऑल दीज पर्सन जिनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, इनकी पोजिशन की, इनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए इसे भी सप्लाई नहीं बोला गया है. सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल, यहाँ पे इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ये बहुत अच्छा किया, इस केस में भी इसे सप्लाई नहीं बोला गया है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है. सेल ऑफ लैंड, देखो बेटा लैंड को आपने बेचा, लैंड को आपने बेचा, इट विल नेवर बी अ सप्लाई. बिल्डिंग की बात हो रही, अभी लैंड की बात हो रही, लैंड की बात हो रही, तो लैंड को सेल किया उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग, तो यहाँ पे सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B, ये क्या बोलना चाहते हैं, ये यहाँ पे बोलना चाहते हैं अगर यहाँ चार्ट मेरे पास बना ही हुआ है, अगर सेल ऑफ बिल्डिंग हो रही है बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, व्हाट, बिफोर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है हमारी बिल्डिंग का, उसके पहले जो भी बिल्डिंग के फ्लैट्स आपके बिके, तो वेदर दैट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, यस दैट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2, उसको पैरा 5B के हिसाब से सप्लाई बोला जाएगा. बट आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मुझे बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, उसके बाद उसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा और उस पर GST नहीं लगता है. तो आपको कोई बिल्डर आपको बिल्डिंग में फ्लैट बेच रहा है और आपको पूछना है उससे कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, तो ऑब्वियसली उसे सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा और उस पर आपको GST नहीं लगना चाहिए. सेल ऑफ लैंड पे कभी नहीं लगेगा, सेल ऑफ लैंड पे कभी नहीं पड़ेगा लगेगा. शेड्यूल 2 में हमने क्या पढ़ा था, वो लीजिंग ऑफ लैंड वगैरह वो सब पढ़ा था हमने. यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल ऑफ लैंड पे कभी नहीं लगेगा, बिल्डिंग पे पोस्ट ओसी नहीं लगेगा, पोस्ट ओसी दैट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट. देन एक्शनेबल क्लेम्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, सो लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, अदर एक्शनेबल क्लेम्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई. देन सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इन टू इंडिया, नाउ वॉट इज इट. सो For example, I'll take an example for this. One second. ये अपने अमेंडमेंट के नोट से अपन उससे डिस्कस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे कैनेडा से यहां पे परचेस किया किसी ने गुड्स और वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया उसने जापान विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इन टू इंडिया. सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, कैनेडा से गुड्स डायरेक्टली जापान चले गए, इंडिया में आए नहीं, इंडिया में बैठ के मैंने बिजनेस किया, मैंने कैनेडा से बढ़िया 1,00,000 रुपए में खरीदा, जापान में 2,00,000 में बेच दिया, जापान में कोई कस्टमर मुझे मिल गया, मैंने 2,00,000 में बेच दिया, मैंने डायरेक्टली कैनेडा से लेके जापान तक के यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट करा दिए, इंडिया में गुड्स आए नहीं. तो क्या उस केस में उसे सप्लाई माना जाएगा, नहीं उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. सो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इन टू इंडिया वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. देन सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो यहाँ पे गुड्स वेयर हाउस में है और यहाँ पे गुड्स सप्लाई कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो मिस्टर संजय एंड मिस्टर सिद्धांत है, मिस्टर सिद्धांत ने गुड्स सेल कर दिए मिस्टर संजय को जब गुड्स वेयर हाउस में थे, तो उनका डील हो गया बाहर, उन्होंने गुड्स सेल कर दी, तो क्या इसे सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, नो, इट वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई एज पर पैरा 8A. यहाँ पे पैरा 8A के हिसाब से ये अमेंडमेंट आया है और गुड्स जब वेयर हाउस में और तब आपने बेच दिया तो उसे सप्लाई नहीं किया जाएगा बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. होम कंजम्पशन से क्लियरेंस करने के बाद की बात हम बाद में करेंगे. ठीक है, देन 8B, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंजाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंड्रोजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. नाउ व्हाट इज इट, अभी ये देखो आपके गुड्स यहाँ साउदी अरब से आपके गुड्स निकल गए, आपके गुड्स हाई सी सेल में थे. यहाँ इंडिया में मिस्टर आकाश एंड मिस्टर पलाश है, उन्होंने क्या किया, हाई सी सेल है, इट्स
हाई सी सेल नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर पैरा 8B ऑफ शेड्यूल 3। अब ये क्लैरिफिकेशन, इस पर पहले क्लैरिफिकेशन भी आया हुआ था, अभी अमेंडमेंट हो गया और सेक्शन यहाँ पे सेक्शन शेड्यूल 3 के अंदर यहाँ पे 8B की एंट्री आई है। और उस एंट्री के हिसाब से जब आपके गुड्स हाई सी में है, गुड्स हाई सी में, मेरे गुड्स हाई सी में सऊदी अरब से इंडिया आ रहे रास्ते में, उस टाइम पे ही मिस्टर आकाश ने बोला कि एक काम कीजिए पलाश जी, आप ही मुझसे गुड्स खरीद लीजिए, उन्होंने गुड्स उनको सेल कर दिया, तो उस केस में क्या उसे सप्लाई माना जाएगा? आकाश और पलाश के बीच के ट्रांजैक्शन को क्या सप्लाई माना जाएगा? नहीं, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? एज पर एंट्री 8B, यहाँ पे एंट्री 8B के हिसाब से उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंजाइनी टू एनी पर्सन बाय एनरोलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन, यहाँ सऊदी अरब से गुड्स निकल गए थे, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, बट होम कंजम्पशन पे क्लियर होने के पहले। तो ये क्या थी? ये शेड्यूल 3 था, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिंस यहाँ पे जो एंट्रीज इंसर्ट हुई है, यहाँ पे तीन चीजें इंसर्ट हुई है, क्या? एक तो एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गए विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया विद नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई, व्हेन द गुड्स सेकंड व्हेन द गुड्स आर केप्ट इन वेयर हाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स टू एनीवन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, एंड द थर्ड थिंग आपने हाई सी सेल किया दैट वुड ऑल्सो नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सो दिस इज वॉट दिस इज बेटा शेड्यूल 3, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दिया दैट नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, सेकंड कोर्ट आपको सर्विस दे रहा है नॉट ट्रीटेड सप्लाई, कुछ डेजिग्नेटेड मेंबर्स हैं वो सर्विस दे रहे हैं, उनके फंक्शंस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल में किसी ने पोजीशन होल्ड किया एंड ऑल दैट, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, सेल ऑफ लैंड नेवर ट्रीटेड एज सप्लाई, सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नेवर ट्रीटेड एज सप्लाई, देन एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स व्हेन द गुड्स आर केप्ट इन द वेयर हाउस नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, एंड द लास्ट वन हाई सी सेल्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। मुझे इतना अच्छा याद हो सकता है, आपको क्यों नहीं हो सकता यार, इतना ईजी, इतना ब्यूटीफुल लॉ है। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ा? सेक्शन 7 हमने पढ़ा, किससे रिलेटेड था? सप्लाई की डेफिनेशन। शेड्यूल 1 एक्टिविटीज ऑफ ट्रांजेक्शन नीदर ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 2 एक्टिविटीज ऑफ ट्रांजेक्शन टू वेदर टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। शेड्यूल 3 ने क्या बोला? नो, दीज एक्टिविटीज ऑफ ट्रांजेक्शन विल नेवर बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। नाउ will go to the concept of composite and mixed supply and their taxability. What do you mean by composite supply? बड़ा प्यारा concept है. Composite supply मतलब क्या? So composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient and comprises of two or more taxable supply of goods or service or both or any combination thereof. Composite supply क्या होता है? देखो example लेते हैं, हम यहाँ पे किस चीज से related बात कर रहे हैं। आपका phone है, mobile है, उसके साथ charger आया है, तो डिस्कशन क्या हो रहा है कि भाई चार्जर पे क्या रेट लगना चाहिए, मोबाइल पे क्या रेट लगना चाहिए। तो यहां पे मोबाइल के साथ चार्जर जनरली आता है, हां जी बिल्कुल आता है, इट इज नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजेशन विद ईच अदर, सो इट इज नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजेशन विद ईच अदर, वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई बताओ क्या? आप भी बता सकते हो, मोबाइल जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो क्या है? मोबाइल। लैपटॉप के साथ चार्जर आ रहा है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? लैपटॉप। तो यहां पे द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट सप्लाई डिपेंडेंट अपॉन द प्रिंसिपल सप्लाई। सो इस टाइप की जब सप्लाईज हो रही है कि भाई एक कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ दो तीन एसेसरीज या कोई चीजें आ रही है, तो उसका टैक्सेबिलिटी कैसे डिसाइड करना है? तो हमें देखना है कि क्या वो कंपोजिट सप्लाई है या वो मिक्स सप्लाई है। तो कंपोजिट सप्लाई किसे बोलते हैं? जब 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 कोई नेचुरली बंडल्ड सप्लाई किया है एक दूसरे के कंजेशन में, तो उसे क्या बोलते हैं? उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, उसे कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। और मिक्स सप्लाई मतलब क्या होता है? मिक्स सप्लाई मतलब टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स मेड इन कंजेशन विद ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस। प्राइस एक ही चार्ज किया है, मिक्स सप्लाई में प्राइस एक ही चार्ज किया है, बट द सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, बट वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम पे गिफ्ट रैपिंग आती है, क्या कि भाई चॉकलेट्स है, केक्स है, बिस्किट्स है, यहाँ पे ऐसे सारा कुछ करके ड्राई फ्रूट्स है, एक पैकिंग आ रही है दिवाली गिफ्ट के लिए, तो उस पर टैक्स का रेट क्या लगेगा? सबसे पहले तो उसे कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे कि मिक्स। क्या वो नेचुरली बंडल है? नहीं। क्या वो सप्लाइड इन कंजेशन विद ईच अदर है? नहीं। तो क्या है वो? क्या वो सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस है? हाँ। क्या वो मिक्स सप्लाई है? हाँ। तो उस केस में टैक्सेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि अगर दो, एक दो या दो से ज्यादा चीजें साथ में दी जा रही है, तो पहले वो कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, वो आपने डिटरमाइन कर लिया। अगर नेचुरली बंडल्ड है, सप्लाइड इन कंजेशन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो कंपोजिट हो गई, और नहीं तो क्या हो जाएगी? मिक्स सप्लाई हो जाएगी, नहीं तो मिक्स सप्लाई हो जाएगी। टैक्सेबिलिटी कैसे होती है? सेक्शन 8 में दी हुई है इसकी टैक्सेबिलिटी। नेक्स्ट सेक्शन याद करेंगे, सबसे पहला सेक्शन कौन सा याद किया हमने?
सेक्शन 7 सप्लाई का, सेक्शन 7 सप्लाई का, देन सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. ये ऊपर जो था बेटा ये डेफिनेशंस थी, ये सेक्शन 230 और सेक्शन 274 में दिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं. टैक्सेबिलिटी को याद करनी है. अब टैक्सेबिलिटी क्या बोलती है? टैक्सेबिलिटी बोलती है कि अगर कंपोजिट सप्लाई है, अगर कंपोजिट सप्लाई है तो अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई. उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला उन्होंने कि हम इसे प्रिंसिपल सप्लाई बोलेंगे, इसे हम प्रिंसिपल सप्लाई बोलेंगे. देन मिक्स सप्लाई comprises of two or more supply shall be treated as supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax. जो highest rate of tax यहाँ पे रहेगा उसे बोलेंगे बेटा क्या? mix supply. उसे बोलेंगे mix supply. ठीक है, highest rate of tax लगेगा. mix supply के केस में क्या लगेगा? सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. mix supply के केस में क्या लगेगा? जो भी फॉर एग्जाम्पल ये हम चॉकलेट वाला एग्जाम्पल लिए थे, तो चॉकलेट पे फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, रेट मुझे ऐसे याद नहीं रहते, 12% है और आपके ड्राई फ्रूट्स पे 18% है, तो फिर आपका टैक्स क्या लग जाएगा? सारों पे 18% का टैक्स लग जाएगा. सारा पे 18% का टैक्स लग जाएगा. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. अब आपने मार्केट में देखेंगे कुछ छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन आए, हम वो पढ़ेंगे. आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारी सेल्स प्रमोशन स्कीम चलती रहती है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, यहाँ पे या आपको कोई सैंपल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जनरली होता है. तो इस केस में क्या रहेगा टैक्सेबिलिटी? इसे सप्लाई माना जाएगा, कैसे किया जाएगा? तो उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन आए वो हम पढ़ेंगे. सो सैंपल सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज क्लैरिफाइड दैट सैंपल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी. देखो 7(1)(a) में क्लियरली क्या पड़ा? फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए. भाई कंसिडरेशन ही नहीं है तो क्या सप्लाई मानेंगे? नहीं मैम, नहीं मानेंगे. सो इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटी फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. बट अगर शेड्यूल 1 में आता है वो, अगर वो शेड्यूल 1 में आता है, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन है सैंपल्स का, उस केस में बेटा उसे क्या माना जाएगा? उसे सप्लाई माना जाएगा. सो यहाँ पे जो सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया उसमें क्लियर है कि भाई यहाँ सप्लाई जनरली नहीं माना जाएगा, बट अगर शेड्यूल 1 एक्टिविटी है तो ही उसे सप्लाई माना जाएगा. देन एक ऑफर चलते हैं, आपने देखा ही होगा बाय वन गेट वन, ऐसे ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं. तो उस केस में क्या रहेगा कि भाई मैं यहाँ पे बाय टूथपेस्ट गेट टूथब्रश फ्री, ऐसा बाय वन सोप गेट वन सोप फ्री, तो ऐसे भी ऑफर्स चलते रहते हैं, ऐसे भी ऑफर चलते रहते हैं. तो एक्चुअली यहाँ पे ये चीज होती है कि यू आर बाइंग टू थिंग्स एट अ प्राइस ऑफ वन, एट अ प्राइस ऑफ वन. उस केस में क्या रहेगा? उस केस में क्या रहेगा? टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल डिपेंड अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज अ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई एंड द रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. जो रहेगा वो वहां पे लगेगा उस केस में. इसमें मैं एक चीज और एड करना चाहूंगी, ये जो बाय वन गेट वन वाले ऑफर रहते हैं, बाय वन गेट वन वाले ऑफर रहते हैं, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री गुड्स, बट इट इज अ केस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई वेयर अ सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई. एक प्राइस चार्ज किया जा रहा है दो या दो से ज्यादा गुड्स के लिए. सो इट कैन बी बेस्ट ट्रीटेड एज सप्लाइंग द गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ वन, फॉर द प्राइस ऑफ वन. और यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा कि टैक्सेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? टैक्सेबिलिटी ऑफ सच सप्लाई विल बी डिपेंडेंट अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई and the rate of tax shall be determined as per the provisions of section 8. rate of tax उसका किसके हिसाब से होगा? rate of tax बेटा होगा उसका section 8 के हिसाब से होगा. composite या mixed supply उसे बोला जा सकता है. ठीक है, ये तो पहला clarification आया था जो कि sales promotion scheme पे था. second एक और clarification आया, हम बहुत short में पढ़ेंगे उसको भी. DCA से related यहाँ पे एक clarification आया. ठीक है, DCA से रिलेटेड जो एजेंट है उसके केस में ये क्लैरिफिकेशन आया. तो अभी याद करो, हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था. शेड्यूल 1 में क्या था? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर सप्लाई होता है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई होता है, तो उसे क्या माना जाएगा? इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई. अब कुछ इश्यूज क्या थे DCA एजेंट के हिसाब से स्पेसिफिकली वो हम देखेंगे. सो वेदर DCA फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट एज पर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट. मैं जनरली बता देती हूँ DCA एजेंट का कंसेप्ट क्या होता है. DCA एजेंट जो रहता है वो सप्लायर को, वो दूसरे एजेंट से कैसे अलग होता है?
वो सप्लायर को इंश्योर करता है कि भाई आपको पेमेंट मिलेगा, आपको पेमेंट मिलेगा। और जनरली अगर हर एक एजेंट 10% चार्ज कर रहा है अपना कमीशन, तो वो 12 करता है। क्यों? क्योंकि वो इंश्योर करता है। और उसके लिए वो क्या करता है, वो बहुत सारी अलग अलग चीजों का लेता है कि वो कहीं से लोन एक्सटेंड करा सकता है एंड ऑल दैट, वो सारी फैसिलिटीज वो वहां पे लेता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई जो डीसीए है उसे एजेंट बोला जाएगा कि नहीं, या किसी भी एजेंट को, इसमें एक क्लैरिफिकेशन और आया ना उसमें भी, किसी भी एजेंट को कभी एजेंट बोला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि बड़ा कंफ्यूजन था इंडस्ट्री में, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई एजेंट बोलें कि नहीं बोले किसी को, इट विल डिपेंड अपॉन द इनवॉइसिंग, कि भाई इनवॉइसिंग किसके नाम से हो रही। तो वेयर द इनवॉइस सर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इश्यूड बाय सप्लायर टू कस्टमर ईदर हिमसेल्फ और थ्रू डीसीए, द डीसीए डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट, एंड वेयर द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इश्यूड बाय डीसीए इन हिज ओन नेम। डीसीए जब अपने खुद के नाम पे इनवॉइस इश्यू कर रहा है तो फिर डीसीए को एजेंट बोला जा सकता है, डीसीए जब खुद के नाम पे कर रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे हो रहा है तो उसे एजेंट नहीं बोलेंगे, तो उसे एजेंट नहीं बोलेंगे। ये सब डीसीए को अप्लाई नहीं होता, ये किसी भी एजेंट को अप्लाई होता है, ये किसी भी एजेंट को अप्लाई होता है। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था इसको, और अमेंडमेंट्स के जो लेक्चर है 5-6 घंटे का लेक्चर होगा अमेंडमेंट का, उसमें भी एग्जाम्पल भी इसको डिस्कस किया है, क्योंकि ये रिविजन लेक्चर है तो हम यहाँ पे अमेंडमेंट्स कवर करेंगे बट उसके ज्यादा एग्जाम्पल और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो अभी इसमें इश्यू आया कि भाई वेदर द टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन एक्सटेंडेड बाय डीसीए टू रिसिपिएंट फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय डीसीए टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बीइंग सप्लाइड बाय द सप्लायर वेयर डीसीए इज नॉट द एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई उसको डीसीए, क्योंकि वहां पे आपको गारंटी कर रहा है सप्लायर को कि वो पेमेंट करने वाला है, पेमेंट करने वाला है, तो उस केस में उसने लोन लिया, तो लोन का जो इंटरेस्ट है, लोन का जो इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है, द इंटरेस्ट इज चार्ज बाय डीसीए टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू बीइंग सप्लाइड बाय द सप्लायर वेयर डीसीए इज नॉट द एजेंट। डीसीए एजेंट कब नहीं रहेगा? अगर प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइसिंग करी, डीसीए एजेंट नहीं है। तो अब जो इंटरेस्ट एलिमेंट है उसका कैसा करना है, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया वेयर डीसीए इज नॉट द एजेंट, और बिलीव में आपको इतना ही याद रखना है, वेयर डीसीए इज नॉट द एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, द टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन प्रोवाइडेड बाय डीसीए टू द बायर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय डीसीए टू रिसिपिएंट ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस एंड इंडिपेंडेंट सप्लाई, देयरफॉर इंटरेस्ट बीइंग चार्ज्ड बाय डीसीए वुड नॉट फॉर्म पार्ट of the value of supply goods supplied to the buyer by the supplier। obviously independent supply होगी, वो principal वो अपने अपने खुद के level पे यहाँ पे loan grant किया हुआ है तो उसके लिए interest charge कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में क्या हो सकता है बेटा, उस केस में वो इंडिपेंडेंट सप्लाई है और उसको जो मेन प्रिंसिपल सप्लाई जो है वहां पे, जो प्रिंसिपल जो सप्लाई कर रहा है उसमें उसे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू। अब सेकेंड सिनेरियो है कि जहां पे डीसीए एजेंट है, वेयर डीसीए इज एजेंट ऑफ शेड्यूल एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, ये कैसे क्लियर हुआ? इनवॉइसिंग के बेसिस पे, डीसीए ने खुद के नाम पे इनवॉइस दिया, ही इज एन एजेंट एंड मेक्स पेमेंट टू प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ बायर एंड चार्जेस इंटरेस्ट टू द बायर फॉर डिलेड पेमेंट अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ गुड्स बींग सप्लाइड, वेदर द इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट। सो इन केसेस वेयर डीसीए इज एन एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, हमने पैरा 3 पढ़ा था, द टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड क्रेडिट being provided by DCA to buyer no longer retains its character of independent supply and is subsumed in the supply of goods by the DCA to recipient, it is तो वो independent supply नहीं रही, independent supply नहीं रही क्योंकि वो agent की capacity में कर रहा है। It is emphasized that the activity of extension of credit by DCA to recipient would not be considered as separate supply as it is in the context of supply of goods made by DCA to recipient, value of interest charged for such credit would be required to be included in value of supply as per section 15(2)(d). to 15(2)(d) ke hisab se aap jab valuation karenge, hum value ke chapter mein padhenge to us case mein use include kar lenge, usne jo interest charge kiya usko bhi include kar liya jayega valuation purpose ke liye। so sabse pehle DCA agent hai ki nahi usko kis pe depend karta hai, it depends upon the invoicing, revise kara rahi hu fatafat sun lo, इट डिपेंड अपॉन इनवॉइसिंग। अगर इनवॉइस डीसीए के नाम पे है तो एजेंट है, नहीं है तो वो एजेंट नहीं है। अब अगर वो एजेंट नहीं है तो अगर जो उसने सप्लाई किया है, जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन है, तो उसे क्या इंक्लूड किया जाएगा? नहीं, उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई रहेगी। बट अगर वो एजेंट है तो यस, उसे इंक्लूड किया जाएगा वैल्यू में, जब आप वैल्यू डिराइव करोगे सेक्शन 15 के हिसाब से तब उसे इंक्लूड किया जाएगा। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट बेटा, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो गवर्नमेंट ने बेटा नोटिफाई किया
नोटिफाई करेंगे, गवर्नमेंट के पास पावर है नोटिफाई करेंगे कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट करती है एज पब्लिक अथॉरिटी कि उन्हें ना ट्रीट किया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस। तो गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया, गवर्नमेंट ने ये सर्विस नोटिफाई की, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस और बाय व्हाट्स एवर नेम, या लाइसेंस फीस बोल लो या एप्लीकेशन फीस बोल लो या कुछ भी बोल रहे हो, बट जो ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस रहेगा, जो ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस रहेगा उसे क्या नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, तो फिर बेटा कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं। सो इट मे बी नोटेड दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस एप्लीकेशन फीस और एनी अदर नेम इज नॉट टू बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इट मे बी नोटेड दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटीज इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ प्रिविलेजेस लाइसेंस माइनिंग राइट्स नेचुरल रिसोर्सेज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फी रॉयल्टी आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय बिजनेस एंटिटी और द सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। तो बेटा गवर्नमेंट जो दूसरी सर्विसेज दे रही है जैसे कि लाइसेंस की, माइनिंग राइट्स की, नेचुरल रिसोर्सेज की, वो सारों की बात नहीं हो रही है, वो सारों की बात नहीं हो रही है, वो तो जीएसटी में टैक्सेबल है, वो तो जीएसटी में टैक्सेबल है। सिर्फ गवर्नमेंट ने यहाँ पे किस पे बोला कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, ओनली एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस। ओके सो दिस वॉज वन नोटिफिकेशन हियर, देन वन क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सेंट टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो मैंने क्या किया, मैं कुछ गुड्स लेके गई भाई इंडिया के बाहर, क्यों लेकर के गई मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, कुछ गुड्स मैं यहाँ पे लेकर के गई इंडिया के बाहर एग्जीबिशन के लिए कंसाइनमेंट के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताया है। तो एक्टिविटी जो मैं गुड्स लेकर के बाहर गई एग्जीबिशन के लिए कंसाइनमेंट बेसिस के लिए, बेटा वो सप्लाई नहीं होती, वो सप्लाई नहीं होती। क्यों वो सप्लाई नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, नो कंसिडरेशन, सो दैट एक्टिविटी डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 7 एज देयर इज नो कंसिडरेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं गुड्स यहां से बाहर एग्जीबिशन के लिए लेके जा रही हूँ, क्या कोई कंसिडरेशन है भाई, कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई नहीं है, ये तो अभी आपको अच्छे से पता है। एक्सेप्ट वन सच एक्टिविटी फॉल्स अंडर शेड्यूल वन, शेड्यूल वन में फॉल कर रही है तो बात अलग हो गई। सच एक्टिविटी Since such activity is not supplied, the same cannot be considered as zero rated supply. जब supply ही नहीं है तो zero rated supply का कोई मतलब ही नहीं है। As per the provisions contained in section 16, that being the case, execution of bond LUT as required in section 16 is not required. भाई जब supply नहीं है तो zero rated supply नहीं है, zero rated supply हमने पढ़ा था, zero rated ही supply नहीं है तो फिर वो bond execute करने की बात ही नहीं आती, bond execute करने की बात ही नहीं आती। So हाँ बेटा, ये स्पेसिफाइड गुड्स आर सोल्ड अब्रॉड फुली और पार्शली विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 6 months। अभी क्या हुआ, ये गुड्स को मैंने इंडिया के बाहर भेजा था एग्जीबिशन के लिए, एग्जीबिशन के लिए। अब क्या हुआ, वो गुड्स 2 महीने बाद बिक गए, दे आर सोल्ड। या तो फुल्ली 2 महीने बाद 100 क्वांटिटी भेजी थी पूरी 100 बिक गई, या 100 क्वांटिटी भेजी थी यहाँ पे 80 बिक गई, ठीक है, या तो पूरा पार्ट बिक गया या कुछ पार्ट बिक गया। तो जब वो सेल होगा गुड्स तब क्या करना है, तो यू हैव टू इश्यू अ टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स व्हिच हैव बीन सोल्ड। तो यहाँ पे क्योंकि सेल हो गया, अब सप्लाई हो गया, तो जब भी सेल हो गया उस टाइम पे विद इन सिक्स मंथ्स तो हमने टैक्स इनवॉइस इश्यू कर लेनी है। अब भाई अगर 100 क्वांटिटी का हुआ तो 100 की टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, 80 क्वांटिटी का हुआ तो 80 क्वांटिटी की इशू कर दो। कब, जब भी सेल हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब भी हुआ, उतने बाद जब भी हुआ सेल तब। Now, when the specified goods sent taken out of India have neither been sold nor brought back, ना तो बिका ना वापस लेके आया एग्जीबिशन के लेके गया, 6 महीना हो गया, तो फिर either fully or partially within the stipulated period of 6 months, या 6 महीना दे दिया, 6 महीना दे दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, ना बिका ना वापस आया, तो फिर issue tax invoice on the date expiry of 6 months, 6 महीने खत्म होने के बाद बेटा tax invoice issue होगी, 6 महीने खत्म होने के बाद टैक्स इनवॉइस इश्यू होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ सच क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स विच हैव नीदर बीन सोल्ड नॉर ब्रॉट बैक, जो कि ना कि बिके ना वापस आए। तो 6 महीने बाद बेटा क्या होगी, यहाँ पे 6 महीने बाद टैक्स इनवॉइस इश्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड्स हम इंडिया के बाहर लेकर के जाते हैं उसे सबसे पहले तो क्या सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा, जब उसे लेके जा रहे हैं ना सप्लाई ट्रीट किया जाएगा तो फिर जीरो रेटेड सप्लाई की बात ही नहीं है, और ना कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा,
ना कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा। बचे टैक्स इनवॉइस की बात, तो भाई अगर 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी जब बिक जाते, फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ 2 मंथ, तो टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दो। बट 6 महीने खत्म हो गए, ना बिके ना वापस आए, तो उसके एंड में उसकी टैक्स इनवॉइस इश्यू कर ली जाएगी और उसे सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा। तो ये बेटा एक क्लैरिफिकेशन था। एंड लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्लैरिफिकेशन देखेंगे, लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर इन द प्रीमाइजेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स। तो ये क्या बात है भाई, मैंने कुछ डोनेशन दिया और हो सकता है वो डोनेशन जब मैं देती हूँ, जैसे कोई यहाँ पे मैंने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया, कुछ स्कूल्स को दिया, तो वहां पे मेरा नाम, मैंने एक रूम बनाने के लिए डोनेशन दिया तो रूम के बाहर मेरा नाम है, या मैंने हॉल बनाने के लिए डोनेशन दिया तो वो हॉल के बाहर मेरा नाम डिस्प्ले होता है, उससे रिलेटेड उसके टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है। तो वेयर द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन रिसिपिएंट इंस्टीट्यूट प्रीमाइसेस इन सच अ मैनर Which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act. तो बेटा यहाँ पे मैंने, क्योंकि उन्हें फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए कि भाई आप यहाँ पे रूम बना लीजिए, रूम के बाहर उन्होंने नाम दिया, नाम लिखा मेरा, तो इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं वो, मेरी पब्लिसिटी नहीं कर रहे, मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, मैंने अच्छा काम किया, जस्ट एज ए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने मेरा नाम दिया। सो इट इज नॉट एम्ड एट पब्लिसिटी टू द डोनर इन सच मैनर दैट इट वुड बी एन एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ऑफ बिजनेस। ना वो एडवर्टाइजमेंट है उस डोनर के लिए, ना उसके प्रमोशन बिजनेस है, जस्ट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड उसका नाम डिस्प्ले किया। देन इट कैन बी सेड देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। वो डोनेशन को कंसिडरेशन बोल के सप्लाई नहीं बोलेंगे भाई, नहीं जीएसटी नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, उसे कंसिडरेशन नहीं मानो, डोनेशन को कंसिडरेशन ना मानो, उसे एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं माना जाएगा। देर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिसिपियंट ऑफ डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग। यहाँ पे रिसिपियंट का कोई यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं कि उसने करना है, कोई सर्विस देनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। Therefore, there is no GST liability on such consideration. Confusion था डिपार्टमेंट का बोलना था, तो यहाँ पे क्लियर किया गवर्नमेंट ने कि नहीं भाई वो कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा डोनेशन को और कोई जीएसटी नहीं लगेगा। GST will not be levied on consideration received, namely the gift or donation. Conditions क्या दी है? Gift or donation is to charitable organization. The payment has the character of gift or donation and it leads to no commercial gain, no advertisement and not advertisement. It leads to no commercial gain and it is not an advertisement. Then there will be no GST on display of name or placing of nameplates of donor in the premises of charitable organization. Okay, so this was a very simple clarification. ठीक है, तो हियर वी बेटा कंप्लीट द चैप्टर नंबर 2। यस, सो बेटा हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा 7(1)(a). 7(1)(a) क्या? फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सप्लाई हो गया। 7(1)(b) इंपोर्ट किया क्या सर्विस, वेदर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बट फॉर द कंसिडरेशन, उसे क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। फिर बाद में एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया पर्सनल पर्पस वाले को। देन शेड्यूल 1 हमने पढ़ा, शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज है, दैट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्या क्या? परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स रेट हैज बीन टेकन। सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में 50,000 तक के नहीं। देन थर्ड बेटा, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एंड देन फोर्थ बेटा क्या था? इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एनी पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया या किसी डिस्टिंक्ट पर्सन से, उसे सप्लाई बोला जाएगा। सो दीज आर द 4 एक्टिविटीज विच विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। देन वी हैव स्टडीड शेड्यूल 2, जो क्या बोला? सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस क्या रहेगा वो बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या? रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, इन दोनों को हमेशा क्या बोला जाएगा? सर्विस बोला जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी याद रखो, सर्विस बोला जाएगा। देन कम शेड्यूल 3, वहां हमने कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन पढ़ा जो शुड बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। देन हमने कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा। कंपोजिट सप्लाई में रेट किसका लगेगा? प्रिंसिपल का जो रेट है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल एंड चार्जर में मोबाइल का रेट 12% है, चार्जर का रेट 18% है, तो चार्जर को भी टैक्स क्या लगेगा? 12% के हिसाब से। देन मिक्स सप्लाई हाइएस्ट रेट, तो वो केक्स वाला एग्जाम्पल लिया था, जिसका रेट सबसे ज्यादा है वो रेट लग जाएगा पूरी सप्लाई पे। देन हमने सेल्स प्रमोशन स्कीम के कुछ क्लैरिफिकेशंस पढ़े और हमने यहाँ पे डीसीए एजेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया। चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पे हमारा रिविजन बेटा कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो बेटा हियर वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।